दिल्ली में चल रहे आंदोलन के बीच आज गुजरात के किसानों से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज दोपहर 1 बजे कच्छ दौरे के दौरान किसानों के 2 अलग-अलग डेलीगेशन से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और कच्छ के किसानों के साथ होंगे, जबकि दूसरी मुलाकात कच्छ के नरा गांव में बसे सिख किसानों के एक संगठन के साथ होगी। भारत पाकिस्तान सरहद पर बसे कच्छ के लखपत तालुका में करीब 5,000 सिख किसान परिवार दशकों से रहते हैं। अब ये सभी दीवारें हटाई जा रही हैं, सभी अड़चनें हटाई जा रही हैं। इन दीवारों के हटने के बाद, इन रिफॉर्म्स के बाद किसानों को नए बाजार मिलेंगे। जो छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों पर जिंदगी पालता है, उस किसान का भला होने वाला है। आज भारत के किसानों के पास अपनी फसल मंडियों के साथ ही बाहर भी बेचने का विकल्प है। जब देश का किसान समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश साफ है, स्पष्ट है। बिना लाग लपेट के प्रधानमंत्री हर मंच से किसानों को समझा रहे हैं कि भरोसा रखिए, आपकी तरक्की के बीच की दीवारें हटाई जा रही हैं, हर एक अन्नदाता का भला होगा, लेकिन उसके बाद भी किसान मानने को तैयार नहीं। लिहाजा दिल्ली में चल रहे आंदोलन के बीच आज गुजरात के सिख किसानों से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज दोपहर 1 बजे कच्छ दौरे के दौरान किसानों के 2 अलग-अलग डेलीगेशन से मुलाकात होगी। पहली मुलाकात कच्छ के किसानों के साथ होगी, दूसरी मुलाकात कच्छ के नरा गांव में बसे सिख किसानों के संगठन से होगी। भारत पाकिस्तान सरहद पर बसे कच्छ के लखपत तालुका में करीब 5,000 सिख परिवार दशकों से रहते हैं। अभी हाल ही में जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हुए हैं वो इसी की एक कड़ी है। एग्रीकल्चर सेक्टर और उससे जुड़े अन्य क्षेत्रों, चाहे वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फूड प्रोसेसिंग हो, स्टोरेज हो, कोल्ड चेन हो, इनके बीच पहले हमने ही ऐसी दीवारें देखी हैं। अब ये सभी दीवारें हटाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री किसानों को बताएंगे कि यह बड़ा मौका है, अब किसानों के हाथों में तरक्की की चाबी है। एक साथ हजारों दरवाजे खुलने वाले हैं, बस खुद को इस नए बिल के हिसाब से बदलना और ढालना है। फसल के बिकने की चिंता नहीं करनी है, इधर फसल तैयार उधर बाजार तैयार, मंडी आपके दरवाजे पर होगी, किसी बात की चिंता नहीं करनी। ये कैसे होगा उसे भी प्रधानमंत्री एक बार नहीं कई बार समझा चुके हैं। आज भारत में मंडियों का आधुनिकरण तो हो ही रहा है, किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फसल खरीदने बेचने का भी विकल्प दिया है। सारे प्रयासों का लक्ष्य यही है कि किसानों की आय बढ़े, देश का किसान समृद्ध हो। जब देश का किसान समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा। दरअसल कच्छ के जिन सिख परिवारों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिलने वाले हैं, वो भारत पाकिस्तान सरहद पर मुश्किल हालात में खेती करते हैं, और उन लोगों से प्रधानमंत्री पूछने वाले हैं और बताने वाले भी हैं कि इस बिल से तरक्की के कौन से दरवाजे खुलने वाले हैं। 6 दौर की बातचीत के बाद ये तो तय हो गया कि किसान आंदोलन वापस नहीं होगा, किसानों का उद्धार कैसे होगा बात अब उस पर होगी। 20 दिनों में बातचीत का पुल कई बार टूटा, लेकिन केंद्र सरकार ने पुल को हमेशा फिर से जोड़ने का काम किया। There is no question of taking retrograde steps against our agricultural sector either. The recent reforms have been undertaken with the best interests of India's farmers in mind. We are, however, always willing to listen to our farmer brothers, allay their misgivings, provide them with assurances we can provide. Our government is always open to discussion and dialogue. आज पूरे देश की नजर प्रधानमंत्री पर होगी। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है।